सो हेलो गाइज और वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मेरा डे ऑफ था। नेहा भी अपना काम वाम करके आ गई है और उरू अपना बैठा हुआ है नई टोपी लगा के। तो हम लोग जा रहे हैं लेक रोटरुआ, तो चल के जा रहे हैं और देखते हैं थोड़ा बहुत। ओरू को सैंड में खेलने की आदत है, अपने डे केयर पे अपना सैंड वगैरह में खेलते रहता है, तो सोचा कि वहाँ पे प्ले एरिया है तो वहाँ जाते हैं और इसको थोड़ा बहुत खिला के आते हैं। वैसे ड्रोन तो लिया है। वेल लेक रोटरुआ में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फ्लाइंग जोन नहीं है वो, तो वहाँ पे उड़ा नहीं सकते क्योंकि हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स जो है वहाँ टेक ऑफ करते हैं। तो देखते हैं जो भी होता है, कैप चेक करते हैं। तो ये किराव पार्क जो मैंने कवर किया है ऑलरेडी, तो इससे होते हुए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे छांव भी रहती है थोड़ी बहुत पेड़ों के कारण। धूप बहुत तेज है, ऐसा लग रहा है कि पूरी बॉडी जल रही है। हाँ, बॉडी तो जली रही है यहाँ पे, ऐसा धूप जो है वो चटके मारती है, तो इसलिए ऐसा सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। क्या वहाँ जाना है? चलो ओके लेट्स गो। तो ये जो है ये ओल्ड रोटरुआ की बिल्डिंग्स है, चर्च और जो गवर्नमेंट हाउसेज हैं। तो यहाँ से हम लोग चल के जा रहे हैं। धूप काफ़ी काफ़ी तेज है धूप, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बट अदरवाइज सही है। ससुराल गेंदा पुल। तो जो एक्चुअली जो म्यूजियम है, तो मैं बोलना चाह रहा था जो एक्चुअल म्यूजियम है सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट बिल्डिंग और गवर्नमेंट गार्डन में, तो वो अभी क्लोज्ड है अपना रिपेयर्स और वो सब के लिए, रेनोवेशन के लिए। तो जब खुलता है तो आप लोग को दिखाएंगे। अभी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये जो अड्डा है ये है यहाँ का बस स्टॉप, और ये है आई साइट। तो आई साइट जो भी है न्यूजीलैंड में, आप कहीं भी जाते हो कोई भी सिटी में जाते हो, आई साइट ढूंढ लो तो वहाँ वॉशरूम वगैरह सब मिल जाएगा। और जो डिटेल्स है जो भी सिटी के बारे में वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो कोई भी सिटी में अगर आप नए जा रहे हो घूमने फिरने जा रहे हो तो आई साइट ढूंढिए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो अभी पहुँच गए हैं लेक रोटरुआ। यहाँ पे सारे जो है घोड़े वोड़े चल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पता नहीं अब ये इन लोग के खुद के हैं कि किसके हैं, बट जो भी है लेट्स सी। और यहाँ पे जो है थोड़े बहुत कार्ट्स हैं जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह और ये सब पीने के लिए। और यहाँ पे है लेक। यहाँ पे हैं थोड़े बहुत पोनीज जो कि खच्चर टाइप के होते हैं, छोटे घोड़े, बौने घोड़े। तो ये भी है यहाँ पे। क्या नहीं भाई, एक बार बहुत था, वही पछता रहा हूँ। तो आ गए हैं लेक रोटरुआ। आज काफ़ी सनी डे है तो कलर्स अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे है वो प्लेन जो रोटरुआ पर्यटन वाला, और यहाँ पे एक और छोटा वाला, और ये स्पीड बोट जो मैंने पहले दिखाई थी। तो कुछ ऐसा नज़ारा है आज, काफ़ी अच्छा दिन है। और आज बत्तख थोड़ी कम दिख रही है, देखते हैं। यहाँ पे दिखी है एक बाकी लोग को ढूंढते हैं कहाँ पे है, एक दो यहाँ पे दिख रही है, अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। और आज पहली बार इतना साफ पानी देख रहा हूँ, तो गुड डे। क्योंकि आज संडे है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी हैं। और जो प्ले एरिया है जो उरू को खिलाने के लिए लेके आए थे हम लोग, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है। तो पता नहीं कितना शूट कर पाऊँगा कितना नहीं, बट लेट्स सी, देखते हैं। उरू को स्लाइड में जाने में इंटरेस्ट है तो वहाँ चलते हैं। तो उरू अपना स्लाइड के ऊपर जा चुका है। उरू कम स्लाइड, कम स्लाइड।
पता नहीं किसको बुला रहा है। तो यहाँ पे नेहाई है एक शैलो उसमें और ओरु अपना खेल रहा है। ओरु यू एंजॉयिंग? ये अपना स्लिप, यहाँ पे थोड़ा काई वगैरह भी है तो स्लिप मार रहा है। हाँ मजा आ रहा है इसको। और बाकी वहाँ पे जो झूले वगैरह थे वहाँ पे तो काफी सारी भीड़ है, सब फुल है। आज संडे का दिन है और काफी देसी लोग भी आए हैं यहाँ पे, तो अच्छा मौसम है और एंजॉय कर रहे हैं पानी में तो अपना फुल मस्ती करते हुए। पकड़ने भी नहीं दे रहे। हाँ तो यहाँ पे फिर से हमें हेलीकॉप्टर दिखता हुआ। ये वही जो मैं बोल रहा था, रोटरुआ का जो पूरा ट्रिप घुमाते हैं एरियल, तो उसके लिए ये भी और द प्लेन्स एज वेल। मैंने ये लिया था ओरियो बबल वफल, कैसा लगा? नया फेवरेट डेजर्ट। ये आई थिंक पहली बार खा रही है। ये आइसक्रीम के साथ भी मिलता है, वो ज्यादा बेटर रहता है। बट अभी जा रहे हैं वापस घर क्योंकि धूप भी काफी है और घूम फिर के हो गया। अभी थोड़े बहुत काम है वो निपटाते हैं, थोड़े बहुत कॉल्स कर रहे हैं तो वो निपटाते हैं और उसके बाद फिर शाम में बताता हूँ आपको क्या बना रहा हूँ मैं। आज एक वेजिटेरियन डिश है तो वेज लोग बी हैप्पी। आज वेज डिश दिखाऊंगा और आई थिंक मैं अपने व्लॉग में पहले कवर नहीं किया हो ना, हाँ तो चलिए उसको भी कवर करेंगे। तो वेज लोग ऑल द बेस्ट। तो अभी आए हम लोग CBK में, काफ़ी अच्छी वाइब्स है, अच्छा म्यूजिक भी चल रहा है और यहाँ अपना ओरू जली खा रहा है। हम लोग ने अपना खाना ऑर्डर कर दिया है तो वेट कर रहे हैं आने का। तो ओरू अपना खुद से ट्राई कर रहा है खाने का और जली उठा रहा है और वो गिर जा रहा है तो बड़ा मजा आ रहा है इसको। अब जानबूझ के गिरा रहा है। तो आ गया है अपना खाना, ये है मेरा चिकन बर्गर, काफी सही दिख रहा है, और ये है फिश एंड चिप्स नेहा का। सो लेट्स डिग इन। तो अभी ओरू जो है बचपन में तो नींबू बहुत खाता था, अभी इसका रिएक्शन कुछ अलग हो गया, अभी देखते हैं खाता है तो मैं रिकॉर्ड करने का ट्राई करता हूँ। नहीं 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 नहीं, खट्टा खट्टा है। नहीं वन मोर, वन मोर। नहीं 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 नहीं। तो आज सुनीत बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर। तो ये रही पनीर, ये कैप्सिकम, अनियन, चिली, गार्लिक और ये अपना सेट। और मैं रो नहीं रहा, ध्यान है, इतना डिप्रेस नहीं किया। मैं प्याज काटा अभी जस्ट तो इसलिए आंसू आ रहे। तो यहाँ पे सारा सेटअप रेडी है जैसे नेहा ने बोला। टमाटर भी काट लिया मैं, टमाटर जो कढ़ाई चिकन या पनीर बनाता हूँ तो मैं छोटा काटता हूँ, मुझे लंबा टमाटर अच्छा नहीं लगता। तो पनीर चॉप है, कैप्सिकम, अनियन, ये ग्रीन चिलीज और ये अपना गार्लिक। ऑयल हीट हो रहा है उसके बाद बनाते हैं। और माफ़ कीजिएगा अगर मेरी वॉइस थोड़ी अलग आ रही हो क्योंकि मेरे को सर्दी हो गई है, नाक ब्लॉक्ड है तो इसलिए थोड़ा ढंग से बोल नहीं पा रहा, तो वो थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। अभी रेसिपी पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे जीरा, हो गया। उसके बाद डालेंगे थोड़ा प्याज, तो अभी प्याज डाला है मैंने
और थोड़ा बहुत सौंधापन आ गया, उसके बाद डालेंगे हम चिलीज और गार्लिक और जिंजर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे महंगा मिलता है तो जो अमीर लोग हैं तो वो डाल सकते हैं। अमीर लोग सिर्फ चाय में डालते हैं। हाँ, अमीर लोग बस चाय में डालते हैं जैसे ही है, अदरवाइज हम लोग खाने में जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं, अदरवाइज जिंजर से गार्लिक से काम चला लेते हैं। तो ये और ये डालते हैं और उसके बाद सौते करते हैं। अभी डाल रहे हैं टमाटर, तो टमाटर थोड़ा पक जाए उसके बाद डालेंगे मसाले और डालेंगे अपना कैप्सिकम। तो अभी डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि टोमेटो डाल दिया है तो नमक डालेंगे, जल्दी गल जाएगा। और उसके बाद डालेंगे कैप्सिकम, उसके बाद सारे मसाले डालेंगे और उसके बाद लास्ट में पनीर डालेंगे, क्योंकि अगर पनीर पहले डालो तो बहुत चूई हो जाता है, तो सबसे लास्ट में ये डालना है। अभी डाल रहे हैं हम लोग कैप्सिकम, तो कैप्सिकम ज़्यादा नहीं पकाना है, अपने को थोड़ा क्रंची चाहिए, तो कैप्सिकम डालेंगे और उसके बाद मसाले डालेंगे। तो अभी जस्ट कैप्सिकम ऐड किया है, तो कैप्सिकम ऐड करके उसके बाद जाएंगे मसाले। तो मसालों में मेन है अपना लाल मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, ये थोड़ा ज्यादा डालता हूँ, और हल्का सा हल्दी, मतलब एक 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 टीस्पून आई थिंक बस, मे भी थोड़ा That's it. और इसमें डालेंगे बेसिक मसाले बताया आपको, उसमें डालेंगे थोड़ा किचन किंग मसाला, गो विद द फ्लो, इसको नापने की जरूरत नहीं। तो अभी जब मसाला पक गया आपको पता चल जाएगा, जब ऑयल सेपरेट आउट होना चालू हो गया, उसके बाद ऐड करना है थोड़ा सा वाटर, ये गर्म पानी लिया मैंने तो, क्योंकि कढ़ाई चिकन या कढ़ाई पनीर जो भी है वो थोड़ा थिक ग्रेवी होती है, तो ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, इतना ही करना है कि बस आई थिंक इतना काफ़ी है। तो ये इवेपोरेट होगा, थोड़ा थिक ग्रेवी बनेगी और लास्ट में मैं पनीर ऐड करता हूँ। कई लोग जो होते हैं पनीर को फ्राई करके ऐड करते हैं, बट कोई भी प्रोटीन हो, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेज हो, आप उसको फ्राई करके या प्री कुक करके करोगे तो चूई बन जाएगा, एंड में ऐड करो तो एकदम सॉफ्ट और टेंडर रहेगा। तो ये एक टिप है मैं बता रहा हूँ। तो अभी जा रहे हैं हम पनीर ऐड करने, लास्ट स्टेज है, इसके बाद अगर आपके पास कोरिएंडर वगैरह हो तो ऐड कर दीजिए, एंड दैट्स डन। तो अभी डालेंगे लास्ट स्टेज, पनीर डाल दिया, अब डालेंगे इसमें जान, थोड़ी जान जो है मेरी जान नेहा ने काटा है तो देख लीजिए, ऐसा डालेंगे धनिया, शेफ रणवीर ब्रार जो है बड़ा खुश होगा क्योंकि धनिया उसका फेवरेट है और मेरा भी, बाय द वे तो मेरा भी फेवरेट धनिया है। धनिया अगर आप डंडी डालो, जैसे चिकन पका रहे हैं या कुछ भी पका रहे हैं, मेरे को बहुत पसंद है, वो फ्लेवर अलग ही आ जाता है। तो अभी जो कढ़ाई पनीर है हमारा ऐसा दिख रहा है, अभी थोड़ा रिड्यूस होगा, ग्रेवी रिड्यूस होगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कोई भी सुझाव कमेंट डाउन बिलो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अंटिल देन शेफ राय साइनिंग ऑफ, चीयर्स। और बाय द वे अभी जा रहे हैं नेहा के स्टाफ पार्टी में, तो देखते हैं वहाँ कुछ कैप्चर करने लायक होगा तो करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।